नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है, क्या था बिन ब्याही माँ का फैसला। लोबी की दीवार में बड़े से फ्रेम में लगी मोहित की तस्वीर को देखकर रीना उदास हो जाती है। आंसू की कुछ बूंदे उसकी आंखों से लुढ़क जाते हैं। 15 अगस्त का दिन था और बाहर काफी धूमधाम थी। आजादी का सूरज धरा के कण कण पर अपनी स्वर्णिम रश्मियां बिखेरता हुआ जल थल से अटखेलिया कर रहा था। आज था रीना की बेटी का पहला जन्मदिन। मोहित की कमी तो हर दिन हर पल उसे खलती थी, फिर आज बिटिया के जन्मदिन पर तो खलनी ही थी। मोहित के जाने के बाद से उसकी हर सुबह स्याह थी, हर शाम उदास थी, रात अक्सर आंसुओं का सैलाब लेकर आती जिसमें वह जी भर डूब जाती थी। अगली सुबह सूजन से भरी मोटी मोटी आंखें उसके गम की कहानी कहती। पिछले 1.5 साल से रीना घर से ही काम कर रही थी। वह मन ही मन कुदरत को धन्यवाद देती कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से उसकी मुश्किल आसान हो गई, वरना दूध मुंही बच्ची को किसके पास छोड़कर ऑफिस जाती। यूं भी और बच्चों की बात अलग होती है, पर वह किस किस को क्या सफाई देती। आप कितने ही बहादुर क्यों ना हो, पर कभी कभी समाज की वर्जनाओं को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। कोरोना की वजह से रीना घर से बाहर कम ही निकल रही थी, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ था और इसे बच्चों के लिए खतरनाक बताया गया था। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी। आखिर यही तो एक निशानी थी उसके प्यार की। उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके ही सजावट की सारी चीजें, गुब्बारे, पंटिंग्स आदि एडवांस में ही मंगा ली थी। शाम के लिए केक और खाने पीने की दूसरी चीजों का ऑर्डर देकर वह निश्चिंत हो गई थी। वह 1.5 वर्ष पुरानी यादों में खो गई। इतना पागल हो गया था मोहित जब रीना ने बहुत ही घबराते हुए उसे अपने गर्भवती होने का शक जाहिर किया था। घर में ही टेस्ट कराने पर पता चला कि खबर पक्की है। प्यार से उसे थामते हुए बोला था वह, यह तो बहुत अच्छी खबर है, यो मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो। कुदरत का शुक्रिया अदा करो और आने वाले मेहमान का स्वागत करो। तुम पागल हो मोहित, बिना शादी के यह आफत क्या हमारा समाज इसे स्वीकारता है, वह रोते हुए बोली। प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन। हम शादी कर लेंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व। कहते हुए मोहित ने उसके बालों में हाथ फेरा और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। एक तो 3 महीने के बाद गर्भपात कराना गैर कानूनी काम और दूसरा साथ में कोरोना की मार। सारे अस्पताल COVID-19 के रोगियों से भरे थे। कोरोना काल में डॉक्टर दूसरे गंभीर रोगियों को ही नहीं देख रहे थे। फिर गर्भवती महिला का वहां जाना खतरे से खाली भी नहीं था। कुछ एक अस्पतालों में डॉक्टरों से मिन्नतें भी की थी, पर बेकार। कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट की जांच के लिए राजी ही नहीं था। रीना को मोहित पर पूरा भरोसा था। पिछले 2.5 साल से उसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके स्वभाव को काफी हद तक जान लिया था रीना ने। मगर कहते हैं ना कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। इस प्रेमी जोड़े के साथ भी यही हुआ। कोरोना रूपी दानव उनके घर तक पहुंच चुका था। मोहित को बहुत तेज बुखार आया और जब कुछ दिनों तक नहीं उतरा तो जांच कराई। वही हुआ जिसका डर था, वह कोरोना पॉजिटिव निकला। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। संक्रमण का डर था,
इसलिए रीना को वहां जाने की मनाही थी। एक दो बार डॉक्टर से सुबह जिद करके आईसीयू के बाहर से मोहित की एक झलक पा ली थी। उसने हालत बिगड़ती रही और मोहित ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पीछे छोड़ गया रोती पिलकती रीना को और अपने अजन्मे बच्चे को। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था रीना पर। बदहवास सी वह घंटों तक घर के फर्श पर रही पड़ी। कोरोना संक्रमित होने के कारण मोहित का संस्कार भी पुलिस ने ही करवाया था। खबर मिलने पर मोहित के कुछ दोस्तों ने रीना को संभाला और उसकी सहेलियों को इत्तला दी। मोहित के परिवार वालों को भी यह दुखद खबर दी गई। वे अपने बेटे के गम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि रीना से भी उनके बेटे का कोई रिश्ता था। भला इस तरह के रिश्ते को कौन स्वीकार करता है? विवाह नाम की संस्था हमारे समाज में आज भी उतनी ही संगठित है जितनी वर्षों पहले थी। हम कितना ही कुछ कहना कह ले मगर बिना शादी का रिश्ता रिश्ता नहीं माना जाता। रीना को सामने देखते ही वे बरस पड़े। अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार उसी को ठहराने लगे। रीना को याद आया कि मोहित की माँ ने उस पर न जाने क्या क्या लांछन लगा दिए थे, कितने गंदे गंदे शब्दों से उसे संबोधित किया था। उन्होंने तो रोहित की मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से उसे ठहरा कर पुलिसिया कार्रवाई करने की भी ठान ली थी। वह तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने उसे बचा लिया, वरना कानूनी कार्रवाई भी झेल रही होती। छी, क्या मैं वास्तव में ऐसी ही हूँ जैसा मोहित की माँ मुझे कहती है? क्या मैं मोहित की मौत की जिम्मेदार हूँ जैसा उसकी बहन रो रो कर कह रही थी? परेशान होकर वह बार बार अपने आप से यही सवाल करती। दुनिया की नजरों में भले ही रीना का प्यार उसका बच्चा अवैध था, पर रीना की नजरों में तो यह एक पवित्र प्रेम की निशानी थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे। बस फर्क इतना ही था कि बैंडबाजे के साथ दुनिया के सामने वह रीना के घर उसे ब्याहने नहीं गया था और उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा था। वह रो रो कर यही बड़बड़ाती, फिर मूर्छित होकर गिर जाती। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सोसाइटी में रहने वाले लोग आज के समय में इतने संवेदनाहीन हो गए हैं कि सामने वाले घर में क्या हो रहा है इसकी खबर भी उन्हें नहीं रहती। पड़ोसी के दुख सुख में शरीक होने की जहमत भी नहीं उठाते। लेकिन यह खबर पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई। रीना के बारे में जब पता चला तो सब उसके खिलाफ हो गए। उस पर सोसाइटी का माहौल खराब करने तक का इल्जाम लग गया। ऐसे में ज्यादा दिनों तक वहां रह पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वह अपने परिवार के पास भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वहां से भी कोई सहारा नहीं मिलने वाला है। पर दोस्त लोग भी कब तक उसकी देखभाल कर पाते? सबकी अपनी अपनी गृहस्थी, अपने अपने काम थे। भला एक अभागे प्रेमिका का दर्द कौन समझ पाता है? सदियों से जमाने में यह होता आया है कि प्रेमियों को जुदा करने में समाज को मजा आया है। रीना की जिन सहेलियों को इस बात का पता था उन्होंने भी उसे यही सलाह दी कि वह अपनी माँ के पास घर चली जाए, कहीं कोई बात हो जाए तो कानून की पचड़े में फंसने का डर तो कहीं हर किसी को रहता ही है। यह सच है कि जब विपदा आती है तो वह इंसान को हर तरफ से घेर लेती है। मोहित के ही एक दोस्त ने रीना को अपनी कार से उसके शहर छोड़कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी और वह कर भी क्या सकता था।
घर में जब माँ को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे समाज में अनब्याही माँ को न तो समाज स्वीकार करता है और न ही कोई परिवार। माँ तो खुद ही असहाय थी। पिता की मौत हुए कई वर्ष हो चुके थे, फिर अविवाहित बेटी इस तरह घर में आ गई। समाज के तानों से कौन बचाएगा? माँ ने तो गुस्से में कह दिया था, डूब कर मर जाती किसी कुएं में। यहाँ क्यों आई? कहाँ भाग गया वह तेरा प्रेमी? यह हाल करके माँ, मोहित कहीं भागा नहीं, वह कुदरत के पास चला गया है। कोरोना ने उसे अपना शिकार बना लिया, वरना वह ऐसा नहीं था। उसके बारे में एक भी शब्द गलत मत कहना। इतने दिनों में पहली बार मुंह से कुछ बोली थी। रीना, उसकी एक बाल विधवा बुआ भी उसी घर में रहती थी, जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना था। रीना की ओर देखते हुए बोली, सोचा भी नहीं तूने क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज को। लोग थू थू करेंगे। छोटी छोटी बहनें शादी के लिए तैयार बैठी हैं, कौन करेगा इनसे शादी? दो लोग तो यही कहेंगे कि जैसी बड़ी बहन है वैसी ही छोटी भी होंगी, चरित्रहीन। इन लोगों ने यह सब कह तो दिया, पर यह नहीं सोचा कि ऐसी हालत में रीना से यह सब बातें करने से उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी। इतना ही नहीं, इस बीच धोखे से रीना के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के भी कई घरेलू उपाय किए गए, पर वे कारगर साबित नहीं हुए। उल्टा रीना के स्वास्थ्य पर असर पड़ा, रक्त स्राव होने लगा और जान पर बन आई। इस मुश्किल भरी परिस्थितियों में खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। एक रात्रि वह निकल पड़ी किसी अनजान डगर पर। उसे बार बार माँ और बुआ के कड़वे शब्द याद आ रहे थे कि डूब कर मर जा किसी कुएं में या फंदे से लटक जा। रात का समय था, वह रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चली जा रही थी। विक्षिप्त सी हो गई थी वह। आसपास चल रहे लोग उसे देखते घूरते और आगे बढ़ जाते। यही तो समाज का दस्तूर है, किसी की मजबूरी के बारे में जाने बगैर हम उसके बारे में कितनी सारी धारणाएं बना लेते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित यही समाज तो नासूर है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तभी कहीं दूर से रेल की सीटी बजी। धड़धड़ाती हुई ट्रेन आ रही थी और उसकी आहट से पूरी धरती में कंपन हो रहा था। रीना का दिल भी एक बार की कांप उठा। सच कितना मुश्किल होता है मरने के लिए साहस जुटाना, खासकर ऐसे में जब जीने की कोई वजह हो। ट्रेन अब पास आ चुकी थी, इंजन की लाइट दूर से दिखने लगी थी। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाई, मोहित मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी परी को भी ला रही हूँ, तीनों मिलकर वहीं रहेंगे सुकून से। वहीं पर तैनात रेलवे का एक गार्ड जो काफी देर से उसकी गतिविधियों को देख रहा था, अब उसे बात समझ में आ गई थी। वह उसके करीब हो लिया। जैसे ही ट्रेन करीब आती, रीना तेजी से ट्रैक के साथ साथ दौड़ने लगी। सिपाही ने तत्परता दिखाते हुए एक झटके से उसे पकड़ लिया। जब अपने साथ न दे तो कई बार पराए भी अपने लगने लगते हैं। वह पुलिस वाले का हाथ पकड़ कर रोने लगी, भैया क्यों बचा लिया आपने मुझे? क्या करूंगी मैं इस दुनिया में जीकर? यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, जो था वह तो छोड़कर चला गया। अब समाचार पत्र को भी खबर चाहिए होती है। और अगले दिन यही बात स्थानीय समाचार पत्र का हिस्सा बन गई कि एक अविवाहित गर्भवती महिला ट्रेन से कटने जा रही थी और रेलवे के गार्ड ने उसे बचा लिया।
बात उसकी बड़ी विवाहित दीदी तक जा पहुंची थी। वे उसे अपने साथ घर ले आई, पर यहाँ भी विडंबना देखिए कि रीना तक तो ठीक था, पर बच्चे को रखने की सलाह वे भी नहीं दे रही थी। दीदी बोली, देख रीना, मोहित तेरा बॉयफ्रेंड था, पति तो था नहीं, जो हुआ वह बुरा हुआ, लेकिन मोहित की याद में कहाँ तक पूरी जिंदगी बिताएगी? यह ख्याल अपने मन से निकाल दे, कभी ना कभी तुझे जिंदगी में किसी साथी की जरूरत तो महसूस होगी ही, और उस वक्त यही बच्चा तेरी जिंदगी में आड़े आएगा। आगे क्या बताऊं, तू खुद समझदार है। एक बार फिर दुनियादारी ने रीना को निराश किया। जिस दीदी से कुछ उम्मीद की आस लिए यहाँ आई थी, वह भी बेरहम निकली। रीना अपने आप में शारीरिक बदलाव महसूस करने लगी थी, और यह दूसरों को भी नजर आने लगे थे। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। उसने दीदी का घर भी छोड़ देने में ही अपनी भलाई समझी। दीदी को डर था कि कहीं दोबारा कोई घातक कदम न उठा ले। उसने उसे समझा कर कुछ समय के लिए रोक लिया। रीना, तू फिक्र मत कर, हम तेरे साथ हैं, लेकिन इस बच्चे के बारे में दुविधा बनी हुई है। दीदी, माँ कहती है कि मैंने पाप किया है। दीदी कुछ दृढ़ता से बोली, देख रीना, यह पाप पुण्य की परिभाषा तो न सब हमारे समाज की बनाई हुई है, इससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल है। मेरे आसपास के लोग भी जब तुझे देखेंगे तो यही पूछेंगे ना कि इसका पति कहाँ है। यह समाज है, किस किस का मुंह बंद करेगी। रीना उदास बैठी सोच रही थी कि आए दिन हत्या लूटपाट की घटनाएं समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। भ्रूण हत्या आज भी चोरी छिपे होती है। किसी की जान लेना यहाँ पाप नहीं, पर किसी को जन्म देना पाप है। बाहर है कैसा समाज है। खैर, तय समय पर परी का जन्म हुआ। प्रसव वेदना के साथ साथ और भी कई तरह की वेदनाएं सही। दीदी ने भी एक तरह से इशारा सा कर दिया था कि अब वह अपना इंतजाम कहीं देख ले। बेटी को लेकर रीना दीदी का घर छोड़कर दूसरे शहर में आ गई थी और तब से यही रह रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और परी उस ओर जाने की कोशिश करती है। रीना ने देखा तो दूध और ग्रोसरी वाला था। यूँ तो घर में कोई भीड़ भाड़ नहीं, फिर भी रौनक थी। 15 अगस्त का पावन दिन था, साथ में बेटी का जन्मदिन भी। रीना कभी देश प्रेम के गाने बजाती और कभी जन्मदिन के। रीना अकेले ही माता पिता दोनों का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो उसकी नन्ही परी थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। 2-4 कदम चलती, फिर गिर जाती, फिर खुद ही संभल जाती। जब से कुछ समझने लगी थी तो उसने सिर्फ माँ को ही तो देखा था। पापा नाम का भी कोई प्राणी होता है, यह बात तो उसे पता भी नहीं थी। अपने छोटे से घर को रीना ने बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाया था और अपने स्टाफ के कुछ खास लोगों को पार्टी में बुलाया था। परी बिटिया को भी मेहरून रंग का सुंदर सा फ्रॉक पहनाया था। बड़ी ही सुंदर लग रही थी उसकी परी फ्रॉक में। यह फ्रॉक पिछले 1.5 साल से रीना ने अपने बॉक्स में छिपा कर रखा था, जैसे चोरी का कोई सामान हो। उसकी आंखें फिर सजल हो उठी। उसकी आंखों के सामने सुनहरे दिनों की तस्वीर घूमने लगी, जब मोहित को उसके गर्भवती होने का पता चला था तो उसी ने यह फ्रॉक ऑनलाइन ऑर्डर करवाया था। इसे देखकर रीना तो लज्जा ही गई थी।
आज उस फ्रॉक में उनकी बेटी परी बहुत सुंदर लग रही थी। रीना उसके नन्हे नन्हे हाथों को देखती तो सोचती, मोहित होता तो कितना खुश होता, पर आज उसे देखने के लिए वह रहा ही नहीं। कहता था, बेटी होगी हमारी, देख लेना, बिल्कुल तुम्हारे जैसी चंचल प्यारी सी। ये यातें उसे कमजोर करने के लिए काफी थी, पर रीना ने भी ठान लिया था कि वह अकेली अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा बनाएगी। आंखों के कोर में छिपे आंसुओं को पोंछते हुए उसने परी को गोद में उठाया, एक नज़र मोहित की तस्वीर पर डाली और मेहमानों का इंतजार करने लगी। सूरज कुछ निस्तेज सा होकर पश्चिम की ओर लौट रहा था, पर रीना की गोद में परी एक नई सुबह का एहसास दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहे इस चैनल पर और हमें सपोर्ट अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।